ऐसा राज किसी और डिमिटर नहीं लगा रहा है। महाराज जैसे राज्य में उनको भागना पड़ा, नहीं स्मार्ट मीटर लगाने में भाग खड़ा होना पड़ा। गुजरात में स्मार्ट मीटर नॉमिनल देश में कहीं नहीं, लेकिन अपना पीठ ठोक रहे हैं कि मैं 5 लाख से अधिक, हम 54 लाख हम स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। हमने तो इस कल लूट का भंडाफोड़ नहीं किया था। कौन किया था? ईडी ने। उसने कहा कि यहाँ का सीएम भी करोड़ों रुपए का घूस लिया है इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, जो उसको टेंडर मिला वो करोड़ों रुपए का घूस। इसके जवाब देंगे, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं है। लाठी डंडे की ताकत की बदौलत आप कार्य करना चाहते हैं, इसलिए विरोधी पक्ष कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। कह रहे थे ना अफवाह फैला रहा है, इतना स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बेचना क्यों है? इस प्रश्न का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? केरल जैसा राज्य स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहा है। महाराज जैसे राज्य में उनको भागना पड़ा, नहीं स्मार्ट मीटर लगाने में भाग खड़ा होना पड़ा। गुजरात में स्मार्ट मीटर नॉमिनल देश में कहीं नहीं, लेकिन अपना पीठ ठोक रहे हैं कि मैं 5 लाख से अधिक, हम 54 लाख हम स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं और 2.5 करोड़ हाउस होल्ड में हम लगाएंगे। याद रख लेना, अभी 100 रुपया भी प्रति हाउस होल्ड एक्सेस देना पड़ा तो 3.25 करोड़ रुपया प्रति माह बिहार को एक्सेस देना पड़ेगा। ये लूट नहीं है तो क्या है? लूट किसको कहते हैं? कानून ऐसा बनाओ कि जनता को राहत मिलना बंद हो जाए और लूट चालू हो जाए पूंजीपतियों के द्वारा, और उस समय की सरकार जो हो उसकी हिस्सेदारी की जाए। हमने तो इस कल लूट का भंडाफोड़ नहीं किया था। कौन किया था? ईडी ने। उसने कहा कि यहाँ का सीएम भी करोड़ों रुपए का घूस लिया है इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, जो उसको टेंडर मिला वो करोड़ों रुपए का घूस। इसके जवाब देंगे, अरे वो करोड़ों रुपए का घूस लिया है तो अरबों रुपया कमाएगा तो नीतीश जी आपके पॉकेट में कितना जाएगा ये तो बता दीजिए आप। क्यों गरीब जनता को आप शोषण करना चाहते हैं? वही मैंने पत्र जो दिखाया, नीतीश जी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पटना के पत्रांक 19C@MD 15/9/24 को जारी कर आपने साबित नहीं कर दिया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं है। लाठी डंडे की ताकत की बदौलत आप कार्य करना चाहते हैं, इसलिए विरोधी पक्ष कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। कह रहे थे ना अफवाह फैला रहा है, बल्कि आपके इस अत्याचार के विरुद्ध जनता उठ खड़ी हो चुकी है। आप जनता के खिलाफ हैं, नीतीश जी जनता के खिलाफ है। बहुत परेशानी में बिहार की जनता है, और तब राजद सारा विपक्ष एवं जनता एक साथ खड़े हैं, और आप नीतीश तानाशाह की तरह अकेले इस कार्य को करना चाहते हैं। रोकिए, अनर्थ मत करिए। अफवाह नहीं फैलाया जा रहा। 2005 में गरीब जनता का नेता, सामाजिक न्याय का पुरोधा लालू प्रसाद जी ने जो हर घर को रोशन, झोपड़ी तक को रोशन करने का जो अभियान चलाया, वही अभियान चल रहा है। उसी के तहत पैसे आ रहे हैं, बिहार 1 टका पैसा नहीं खर्च कर रही है, उसी के तहत आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम अफवाह फैला रहे हैं। अब आप लोग स्वयं जज करो, मेरे कागज आपके हाथों में जा रहा है, और पूरे पढ़ करके ये सवाल हमारा नहीं जनता का सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल
जनता के द्वारा उठाए गए सवालों के साथ है और हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। जहां जनता की ज़रूरत पड़ेगी वहां राष्ट्रीय जनता दल खड़ा हो जाएगा। गर्व से उन्होंने कहा कि मैं गांधी मैदान में कहा हूं, 2015 का वोट तब मांगने आएंगे जो हर घर में बिजली दे देंगे। घर में बिजली तो आपने नहीं दिया, लालू प्रसाद जी ने दिया। आप झूठे और अफवाह फैला करके एक बिहार की इतनी बड़ी शख्सियत को आपने तंग और तबाही नहीं किया, बल्कि गरीबों की आवाज़ को आपने जेलों में बंद रखने का काम किया। बिहार आज तबाह है और उसी तबाह को और तबाह करने के लिए नीतीश कुमार आप खड़े हैं। इसलिए मेरे प्रश्न पर सीएम भी गायब, बिजली के मंत्री भी कुछ कह करके निकल गए, लेकिन असली मुजरिम को सामने आना पड़ा।